बहू कहाँ मर गई, अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी, तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई, कब से पूजा करके बैठी हूँ, ले आ रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भुजिया भी ले आई, सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मारोगी, बहू ने कहा ठीक है माँ जी ले जाती हूँ, सास ने कहा रहने दो अब बना दी है तो खा लेती हूँ। सास ने भुजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भुजिया बनाई है तू, बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छुप कर खड़ी हो गई, सास भुजिया पर टूट पड़ी और पूरी भुजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ, सास ने फिर आवाज़ लगाई कुछ खाने को मिलेगा, बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या, बहू आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से यह कहा हाय मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाती हुई हाँ तो मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भजन बनाई। सुबह के 10 बज गई, अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पर थे।